नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में ये एक अपडेट वीडियो है आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक न्यूज के बारे में बात की थी बिग बूस्ट फॉर मिलिटरी गवर्नमेंट गिव्स ऑफिसर्स पावर्स टू बिकम एडिशनल एंड जॉइंट सेक्रेटरी मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो देखा होगा सेंटर टू अपॉइंट यूनिफॉर्म ऑफिसर्स एज सेक्रेटरीज तो आज हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और इसके ऊपर एक अपडेट लेंगे और देखेंगे किस तरह हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किस तरह दिखता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की क्या ड्यूटीज है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कौन इसमें इन्वॉल्व है भी एडिशनल सेक्रेटरीज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एट द एंड ऑफ डिस्कशन होप दैट दर्क वेरी वेरी एफिशियंटली गोइंग इन टू फ्यूचर चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर एंड लेट्स फर्स्ट ट्राई टू नो अबाउट द डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस क्योंकि बहुत बार में से सवाल आ जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल आते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और ये हम लोगों ने बैकग्राउंड में भी बात की थी थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कशन होगा और उसके बाद अभी वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं देखिए पांच डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पहला है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इसका ब्रॉड काम क्या रहेगा टू क्रिएट अ डिफेंस पॉलिसी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब इसके अलावा द सेकंड डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अब नाम से ही पता चल रहा है कि डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें इनके हाथ में रहेंगी और दे आर गोइंग टू वर्क विथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है जो भी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या एंटरप्राइजेस है उनके साथ यह डील करेंगे और उनकी पॉलिसी बनाएंगे इसके अलावा एक है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि दे विल बी हैंडलिंग द डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस डेवलपमेंट इसके अलावा एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर भी है नाम से ही पता चल रहा है कि दैट इज फॉर द वेलफेयर एंड पेंशन रिलेटेड मैटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन और फाइनली जो नया डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड कौन करता है इसको हेड करता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ राइट नाउ दैट इज बिपिन राइट नाउ दैट इज बिपिन रावत अब इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है उनको हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिफेंस सेक्रेटरी हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को इट इज अगेन हेडेड बाई डिफेंस सेक्रेटरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हेड करते हैं डीआरडीओ चीफ आपको याद रखना है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को हेड करते हैं सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर राइट सो प्लीज रिमेंबर दैट द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी इट इज हेडेड बाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दो रोल है एक तो रोल है कि ये सीडीएस है ही अब दूसरा रोल है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी भी है हेड भी है तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की देखिए ये है अब नया स्ट्रक्चर जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का है आप देख सकते हो इट इज हेडेड बाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आई टोल्ड यू इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स दैट इज राइट नाउ बिपिन रावत अब इनके अंडर है सी आई एस सी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि जस्ट सीडीएस के नीचे ये पोस्ट आती है इट इज अतुल कुमार जैन और इसके अलावा जो नई अपॉइंटमेंट हुई है वो है एडिशनल सेक्रेटरी की दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हु विल बी द एडिशनल सेक्रेटरी मैंने आपको कहा था कि तीन नए अपॉइंटमेंट हुए वो है आर्मी की Naranan, के मेजर जनरल के नारायण हु बी ज्वाइंट सेक्रेटरी नेवी के रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर हु ज्वाइंट सेक्रेटरी अगेन एंड एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल हरदीप बेंस बैंस हु द्वाइंट सेक्रेटरी अगेन इसके अलावा जो दूसरे ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं दे आर द्यूरोक्रैट्स दैट इज श्री शांतनु इज जॉइंट सेक्रेटरी फॉर पार्लियामेंट अनदर वन इज श्री राजीव कुमार सिंह ठाकुर हु इज द जॉइंट सेक्रेटरी फॉर एस्टाब्लिशमेंट एंड कोआर्डिनेशन इन दी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ये काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है अब हमें ये जानना है कि जो डिपार्टमेंट है जो फर्स्ट जनवरी 2020 को बना था ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोग क्यों इसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा काम सौंपा गया है बहुत ज्यादा अटोनमी दी गई है देखिए जो नया रोल है जो नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स दे वुड बी डीलिंग विथ प्रमोशन एंड पोस्टिंग्स ऑफ ट the होता है उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बात की थी पिछले बार भी कैपिटल प्रोक्योरमेंट क्या होता है जो बड़े बड़े समझिए प्रोक्योरमेंट करने बाहर से जैसे कि रफाल हो गया जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम हो गया उसको हैंडल करते हैं डिफेंस काउंसिल जो मैंने आपको कहा था इसके अलावा एनी मैटर इज रिलेटेड टू डिफेंस पॉलिसी इसमें डीएमए का कोई रोल नहीं रहेगा लेकिन जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा नेवल नेवल बेसिस बेसिस के जैसे कि डेवलप करना है या नहीं इसका भी जिम्मा अभी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के पास है ओवरसीज डिप्लॉयमेंट जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के लिए जो जाना है डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल एसेट्रा ये सब अभी डीएमए हैंडल करेगा और जो भी हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स का शेप साइज और कंपोजिशन रहेगा इन सब चीजों का जिम्मा अभी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के साथ ही रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट इनका रोल क्या है सबसे इंपॉर्टेंट का रोल क्या है सबसे इंपॉर्टेंट रोल यह है कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स के बीच कन्वर्जेंस लाना है यानी कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक सिंगल बॉडी बनेगी जो ज्वाइंटनेस लाएगी इन सारी फोर्सेस के बीच ज्वाइंट प्रोग्राम्स रहेंगे ज्वाइंट ट्रेनिंग रहेगा थिएटर कमांड ज्वाइंट चलेगा जिससे कि कोऑर्डिनेशन आएगा जिससे कि हम लोग रिसोर्सेस अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे हमारे डिफेंस फोर्सेस तो आशा करते हैं लेट्स वेट एंड वॉच दिस पॉलिसी वर्क्स आर्म ने ऑलरेडी इसको एक हिस्टोरिक मोमेंट कह दिया है क्योंकि अगर आर्म फोर्सेज के ऑफिसर्स अब फॉर्मल अपॉइंटमेंट चले जाएंगे तो दिस वुड ब्रिंग मोर एंड मोर कन्वर्जेंस आप यहां पे देख सकते हो कि पहला सेटअप कुछ इस तरह का था कि अगर कोई भी चीज की जरूरत हो तो हमें डायरेक्टली सी के पास यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के पास जाना पड़ता था लेकिन अभी यहां पे आपको एडिशनल सेक्रेटरी की एक बॉडी आ गई है इवन माइनर इशूज वुड बी डिस्पोज ऑफ बाई दीज आपको याद रखना है एक और चीज प्रफिक चीज है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज नॉट the एज of ऑफ ऑल three विंग्स आपको यह समझना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इंस्टीट्यूशन है उसे केवल कन्वर्जेंस के लिए लाया गया है और जो भी आर्मी नेवी और एयरफोर्स डिफरेंट विंग्स है उनके जो रेस्पेक्टिव हेड्स होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन विंग्स नॉट द सीडीएस सीडीएस इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर बींग अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज थ्री विंग्स एंड द हेड्स ऑफ दोज विंग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दोज विंग्स ऑफ आर डिफेंस फोर्सेज आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू दी एस्पेर दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड ऑफ दिस पार्ट डिस्कशन थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद